केंद्र सरकार के किसानों को लेकर पास हुए 3 अध्यादेशों का सीपीआई ने जमकर विरोध किया है। विरोध में सीपीआई ने अध्यादेशों की कॉपियां जलाई और केंद्र सरकार के इन अध्यादेशों को किसान विरोधी बताया। साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल व प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीपीआई ने केंद्र सरकार की कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए कोंडागांव के जिला सचिव तिलक पांडे के नेतृत्व में जिले में कम्युनिस्टों और अखिल भारतीय किसान महासभा से जुड़े किसानों ने किसान विरोधी 3 अध्यादेशों की प्रतियों को नगर के बस स्टैंड पर जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। साथ ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कोंडागांव व एसडीएम कोंडागांव को सौंपा है। केंद्र शासन द्वारा किसानों के खिलाफ जो है 3 अध्यादेश पारित किया गया है। पहला अध्यादेश जो है उसमें जो है समर्थन मूल्य को समाप्त किया जा रहा है और किसानों की जो खरीद बिक्री जो मंडी व्यवस्था को समाप्त की जा रही है, जिससे किसानों को बहुत हानि होगी। दूसरा अध्यादेश जो है इसी एक्ट में संशोधन किया गया है और जो भंडारण की भंडारण को के कारण को समाप्त किया गया है, जिससे पूंजीपति वर्ग जो है अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न पदार्थों का भंडारण करेंगे और कम रेट में खरीद करेंगे और अधिक मात्रा में बेचेंगे, जिससे किसान और आम जनता को हानि होगी। और तीसरा अध्यादेश जो है मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी संविदा खेती, जिसमें जो है किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएंगे और किसानों का शोषण होगा और ये जो व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो है कृषि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो था उसको पीछे दरवाजे से लाया जा रहा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।